आइए मैं मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं मैं क्या क्या पूछ रहा था तू? क्या है इसमें? इसमें वो क्या बोल, अलमारी साफ की थी ना मैंने, तो कपड़े हैं वो अनाथ आश्रम में देना है। इसका साइज देख के मुझे लग रहा है आपने अपना पूरा वार्डरोब खाली कर दिया। नहीं वो कंबल डाले ना मैंने उस, इसलिए। आपने इसके कंबल भी डाले? हाँ उनके घर में पांच पांच नौकर हैं, उसके बाद भी इतना भारी सामान आप खुद उठा रही हैं। विक्टर विक्टर वो सब बिजी थे ना, इसलिए मैं कर लूंगी आदि। तू गॉड मैं आ गया, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं नहीं मैं कर देती हूँ ना आदि, तुझे क्या जरूरत है? बहुत भारी है मार्कस। विक्टर मार्कस तुमको बुलाने की क्या जरूरत, मैं कर लूंगी। अरे इतना भारी आप अकेले कैसे कर रही थी? मैं कर लूंगी ना, मैं बता रही हूँ तुझे। अगर मैं नहीं आता तो कैसे डालती आप इसे? तो तुझे क्या जरूरत क्या है? वो प्रेत क्या पत्थर वत्थर भरे हैं किसके अंदर? मां ओ गॉड, कहीं आदि ने सूटकेस से निकले साक्षी का हाथ तो नहीं देख लिया? आई थिंक कुछ और भी है बैग के अंदर। नूर आपको तो हम जानते हैं, लेकिन अर्जुन आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। क्यों करनी ऐसी बातें उनके सामने? क्या क्या कहा था आप लोगों ने कि हम डांस करते हुए अच्छे लगते हैं, एक स्वीट कपल की तरह? बता दे यहाँ पर असली में स्वीट कपल कौन है? नहीं अपी प्लीज किसी को मत बताना, I'm sorry अपी। ये क्या बोल रही हो तुम? आप तो भाई है ना उनके, अर्जुन आप जानते हैं ना कि इस तरह की बातों का असर उन पर कैसा होता है। फिर क्यों करना ऐसा मजाक? भाई को ये मजाक जरा पसंद नहीं आया, तुमको कैसे लगा? क्या कोई ओपिनियन पोल चल रहा है क्या? बड़ी हंसी आ रही है आपको? हाँ अब हंस रही है, बाद में रुलाएंगे हम आपको। सॉरी अपी। एक तो न जाने आदित्य को क्या हो गया, अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। जब से लौटे ऐसे कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए हैं। शायद उनके जख्म ठीक से भरे नहीं है। क्यों करनी ऐसी बातें उनके सामने जिनसे उन्हें ठेस पहुंचे? अब हमें जाना पड़ेगा और उन्हें मनाना पड़ेगा और वापस यहां लाना होगा। तभी तो किया ही सब। क्या कहा आपने? हिला अंदर। हाँ कैसे कुछ हिल सकता है, तू पागल हो गया? एक मिनट, शायद इसके अंदर चूहा हुआ होगा। कोई चूहा नहीं है मैंने। अरे मां गाड़ी के अंदर एक बार चेक कर लेता। आदि मैंने खुद डाले चीजें। गाड़ी के अंदर चूहा आ गया तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। एक मिनट मां चेक कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। चेक करने में क्या जाता है, चूहा गाड़ी में उतर गया तो प्रॉब्लम? कुछ नहीं है आदित्य। जाना बात कर ले इससे। आप मैं माँ को छोड़ने जा रहा हूँ। आदित्य ऐसे गुस्से में आप निकल गए? जो है मैं माँ को आश्रम छोड़ के आता हूँ, मैं आके बात करता हूँ। आदि कहीं नहीं जा रहा है। तो समझता क्यों नहीं आदि, बेटा है तो हमेशा मनमानी करते रहेगा। मेरी कोई मर्जी, मेरा कोई से है भी या नहीं, मुझे एनिवर्सरी के लिए कोई बड़ी पार्टी नहीं चाहिए थी, पर तूने फोर्स किया तो मैंने मान लिया ना। इनफैक्ट जोश इवेंट्स तो चाहिए ही नहीं था, फिर भी तूने इंसिस्ट किया और मैंने वो भी मान लिया। मैं थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ, आई वॉन्ट सम मी टाइम। मुझे क्या इतना भी नहीं मिल सकता? सुन मैं जा रही हूं और तू मेरे पीछे मत आ।
आदित्य प्लीज एक बार हमारी बात सुन। इसमें सॉरी क्यों कह रहे हैं आप आदित्य? हम जानते हैं कि आप और अर्जुन चाहते थे कि हम ये इवेंट करें, वो नहीं चाहती थी। फाइन। आदित्य आदित्य हमारी बात सुनिए। आदित्य आदित्य एक सेकंड बात सुनिए हमारी। क्या कहां भाग रहे हैं आप? अहमक है क्या? हाँ हूँ अहमक, मजाक उड़ाना है तो मेरा। आदित्य काम डाउन, हम क्यों मजाक उड़ाएंगे आपका आदित्य? तो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? I'm sorry, Zoya, मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ यहाँ पर, तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? नहीं आप स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर, वो हमारे साथ ये पहली बार हुआ ना, इसलिए मैं समझ नहीं आ रहा कि आप रिएक्ट कैसे। क्या क्या पहली बार हुआ है पागलपन? नहीं याद। अच्छा अब पहले आप शांत हो जाए, हम बताते हैं आपको। क्या है ना कि मसूरी में अगर हम किसी लड़के को ऐसे देख भी लेते थे ना तो अफवाह शुरू हो जाती थी कि अब हम दोनों कपल है और पता नहीं क्या क्या। तो ये सब मुझे क्यों बता रही हो? इसमें पहली बार क्या है? पहली बार ये हुआ है कि किसी के साथ हमारा नाम जोड़ा गया और उसे बुरा लग रहा है तो हमें हंसी आ गई कि हम इतने बुरे आदित्य। बच्चे हैं आदित्य, मजाक मजाक में कहे गए कुछ, इतना क्या सीरियसली लेना। अच्छा उनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, ओके? वो पागल है, उन्हें नहीं समझ आया, हम माफी मांगते हैं। I'm sorry. अब ये नाराजगी आपकी खामोशी में बदल गई, अब साइलेंट ट्रीटमेंट। आदित्य थूक दीजिए ना गुस्सा, कुछ तो बोलिए प्लीज। मैंने आज ऐसे इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि जोया मुझे आज रियलाइज हुआ है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ओ आदित्य, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो चलो भाग के शादी कर लेते। हाँ लेकिन नूरा और अर्जुन की शादी भी हम उसी मंडप में करवा देंगे, आखिर वो नहीं होते तो हम दोनों को अपने प्यार का एहसास कैसे होता? हाँ। उन्हीं की वजह से तो हम आज हमें अपने प्यार का इजहार हुआ है ना? चलिए अब हमारे साथ अंदर चलिए एक बार, फिर हम आदित्य सूटकेस में कहीं कुछ हो जाता है इनको तो दम भी घुट सकता था इनका, काफी गहरी इंजरीज हुई हैं इन्हें, इन्फेक्शन हो सकता था, डिहाइड्रेट होकर के मर भी सकती थी। नहीं डॉक्टर, ये मर नहीं सकती, पूरे शहर में मैं सिर्फ आप पे ट्रस्ट करती हूँ, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ, प्लीज कुछ कीजिए। देखिए मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इनकी हालत काफी खराब है। आई डोंट केयर, इन्हें ठीक होना ही होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये जिए या मरे, लेकिन मेरी बेटी आजकल इसे वीडियो कॉल करते हैं और अगर ये वीडियो कॉल में नहीं आई तो वो पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। Do you understand? देखिए काफी ब्लड लॉस हो चुका है इनका और ये काफी डिहाइड्रेटेड भी हैं और आप इनको इस तरह से बैग में लेके आई हैं, इसके वजह से इनका ऑक्सीजन भी कम हो गया है। ये लीजिए। जा लीजिए ताकि ये वीडियो कॉल कर सके। और एक बात, इनके बारे में आपके हॉस्पिटल में कोई रिकॉर्ड नहीं रहनी चाहिए और ये बात सिर्फ
आपके और मेरे बीच में होनी चाहिए। और अंजना हुडा के बारे में भी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बाद में आऊंगी। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? मैम, टोटल 5 सॉन्ग्स की मेडली है। हर सॉन्ग मिस्टर एंड मिसेस हुड्डा की लाइफ का एक दौर डिपिक्ट करेगा, यानी उनकी लव स्टोरी के स्टेजेस। जी। और उसके बाद मैम, आप हम लोग सब आपसे कोरस में पूछेंगे व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स योर नेम, और आप हम सबको जवाब देंगे माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। और उसके बाद आपका एक बहुत ही हॉट आइटम नंबर सॉन्ग परफॉर्मेंस होगा। ओके जी। और उसके बाद लिरिक्स के अंदर आई बिलीव है, हाँ, सारे सिली सिली बॉयज मुझे फॉलो करते हैं, और वो टाइम के ऊपर सारे गैस आपके पीछे आएंगे और आप ट्रेन बना के घर के चक्कर लगाएंगे। क्यों हंस रहे हैं सब? आपका ध्यान किधर है? यही है हमारा ध्यान, और कहाँ। आपको पता है, आपने अभी अभी शीला की जवानी पे आइटम नंबर करने के लिए एग्री कर दिया। क्या? क्या मजाक सोच रहा आप सबको यहाँ पर? यहाँ मैं आदित्य की टेंशन हो रही हूँ आप सब। सुबह से हमारा फोन नहीं उठा रहा है, वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। सब मैंने भाई को फोन करने की कोशिश की थी पर उन्होंने फोन उठाया नहीं है। मैं मैसेज भी किया था लेकिन उनका रिप्लाई नहीं आया। अब कहाँ जा सकते हैं? कहीं वो हम सबसे खफा तो नहीं हो गए? अर्चना, आप ऑर्फनेज फोन करिए, वो आपकी अम्मी वहां जाने वाली थी लेकिन पता नहीं गुस्से में वो अकेली चली गई, शायद उनके पीछे गए होंगे। लेकिन सोया, मॉम ने तो मुझे ऑर्फनेज के बारे में कुछ बताया नहीं था। मैं फोन करके चेक कर लेता हूँ। हम भी एक बार कॉल करके देखते हैं वापस। हेलो मैम, मैं अर्जुन हुड्डा बोल रहा हूँ। क्या मेरी मॉम अंजना हुड्डा और ब्रदर आदित्य हुड्डा वहाँ हैं? नहीं सर, यहाँ तो कोई नहीं आया। ओके, थैंक यू मैम, गुड डे। क्या हुआ? वो तो कह रहे हैं कि मोहम्मद भाई ऑर्फनेज नहीं आए। जोया, मैं माँ को आश्रम छोड़ के आता हूँ, मैं आके बात करता हूँ। मैं भी फिर से ट्राई करके देखता हूँ। हाँ नहीं, वो तो आपके अम्मी के साथ हुई। भाई, हेलो 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 आदित्य, हेलो हेलो। अर्जुन, क्यों बार बार मुझे फोन कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते तुम लोग? हाँ, प्लीज लीव मी अलोन। जो वो म्यूजिक काफी लाउड था। गाइस, आज दिन कौन सा है? फ्राइडे। वो डीजे सामी का ट्रैक था, और फ्राइडे को वो क्लब हवाई में प्ले करता है। मुझे लगता है भाई वही है। Are you sure? I'm sure. तो चलिए अर्जुन, हमें वहां जाना होगा। चलिए चलिए चलिए। One more. हमें कुछ हो जाता तो? ऐसे कैसे कुछ हो जाता तुम्हें? कुछ नहीं होता तुम्हें, कुछ होने ही नहीं देता तुम। मजाक उड़ाना है तुम मेरा? हम क्यों मजाक उड़ाएंगे आपका आदित्य? तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? आदित्य, थूक दीजिए ना गुस्सा, कुछ तो बोलिए प्लीज। मैं मुझे करना ना तो मैं रिहर्सल कर लेता। ये क्या हो गया है मुझे? जोया से नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ, उससे दूर भी नहीं जा पा रहा हूँ। वो सामने आती है तो
वो सामने आती है तो दिल ऐसे जोरों से धड़कने क्यों लगता है? आप लोग कितने क्यूट लगते हो, साथ में डांस करते हो। In fact, आप दोनों एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। So sweet. अब ये नाराजगी आपकी खामोशी में बदल गई, अब साइलेंट ट्रीटमेंट। उसे अपना हाल छुपाने के लिए हर वक्त उसे रूडली बात करता रहता हूँ, उसे दूर भागता रहता हूँ, उसे अवॉइड करता रहता हूँ, उसके बाद भी फिर भी हर बार उस पर नजर पड़ती है तो सांसें थम क्यों जाती हैं? ऐसा लगता है जैसे पहली बार जोया को देख रहा हूं। सोया से प्यार, कहाँ हूँ? वो सफेद ड्रेस वाली औरत, वो तो कोई नर्स लग रही थी। लगता है मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ। मगर मुझे यहाँ कौन लाया और क्यों? हे भगवान, मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? Yes, doctor, you're correct. अंजना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे होश आ गया है। Let me check her. दवाई का असर अभी भी है, इसलिए ये बेहोश है। एक दो घंटे में इन्हें होश आ जाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। वैसे आपने इन्हें ऐसी कौन सी जगह पर रखा था कि इनका ये हाल हुआ है? डॉक्टर, शायद आप भूल गए हैं कि मैंने आपको क्वेश्चंस ना पूछने के लिए पैसे दिए थे। Well, I'm sorry. Anyway, इसे ठीक होने में और कितना वक्त लगेगा? I feel 2 दिन. 2 दिन? 1 दिन. मैं आपको 1 दिन दे रही हूँ इसे ठीक करने के लिए। यहाँ इसे ऐसे रखने का रिस्क नहीं ले सकती मैं। चलिए प्लीज, मैं आपको इनकी रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। यानी मेरे पास 1 दिन है, उसके बाद ये अंजना दोबारा मुझे कैद कर लेगी। यही मौका है साक्षी, कैसे भी करके यहां से निकल। Hey baby,
आई एम सॉरी मैम, मुझे लगा मेरी गर्लफ्रेंड श्रीनीत है। कोई बात नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि आप मैम। लेके जाओ इनको वरना हमको पुलिस को बुलाना पड़ेगा। एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आपके सारे मेडिकल बिल्स हम पे कर दिए, आई एम सो सॉरी, प्लीज उन्हें हॉस्पिटल ले जाइए प्लीज। आपका दिमाग खराब हो गया, आप उसे मार डालते। मेरी जोया के साथ बदतमीजी कर रहा था, वो देखा नहीं तूने? कैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बात कीजिए ना हमसे, हमसे बात कीजिए, हमें बताइए क्या मसला है, हम साथ मिलकर उसका हल निकालेंगे। एक बार बात करके तो देखिए आदित्य, हम दोस्त हैं ना आपके, हम आपके बेस्ट फ्रेंड हैं ना, बात कीजिए ना हमसे। जया भाई की हालत बहुत खराब है, मैं उन्हें घर लेके जाता हूँ, तुम कल बात कर लेना प्लीज प्लीज प्लीज। जया कल प्लीज। ये आदित्य को हो क्या क्या है, कैसा दर्द है इनकी आंखों में, जो उन्हें अंदर ही अंदर इस तरह खाए जा रहा है। हम हमारे दोस्त को ऐसी हालत में नहीं देख सकते, नहीं